बिरला यू स्टार्ट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, हमारी देश की आर्थिक धुरी, हमारे देश की विकास और हमारे देश के अंदर जिससे कहते हैं कि गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, उस पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय कितना परिवर्तन हो गया कि आजादी के बाद और आजादी के पहले तक जीडीपी में हमारा जो हिस्सा था वो 49% था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत ये हो गई कि हमारा जीडीपी का हिस्सा जो घटता जा रहा है वो देश के चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी 65% आबादी में 70% हिस्सेदारी किसान की थी, आज हालत क्या है? हालत ये हो गई कि गांव के अंदर किसान कर्ज में खेती करता है और कर्ज में ही मर जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें एक नए सुधार की आवश्यकता है। हमें अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो किसान को सुरक्षित करना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 10 दिन के अंदर जिस तरीके की ओलावृष्टि राजस्थान सहित देश के हिस्से में हुई, कहीं गेहूं की फसल थी, कहीं जीरा था, इसबगोल था, कहीं आलू की सब्जी थी, कई सरसों था, तमाम ऐसी खाद्यान्न से लेकर फल सब्जी तक जिस तरीके का बड़ा नुकसान हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की फसल कटने वाली थी, कर्ज लेकर उसने फसल को बोने का, उपज को उगाने का काम किया, लेकिन हालत क्या हुई? प्राकृतिक आपदा आई, फसल नष्ट हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने एक विचार बनाया है कि अगर देश को, किसान को सुरक्षित रखना होगा तो फसल उपज गारंटी बीमा योजना बनानी होगी। हमें सबसे पहले उस किसान को प्राकृतिक आपदाओं से, कई बार फसल प्राकृतिक आपदाओं से खत्म हो जाती है, कभी कोई कीटनाशक के कारण खत्म हो जाती है, कभी कोई रोग के कारण खत्म हो जाती है। सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें योजना बनानी है कि किसान को सुरक्षित रखें, कम से कम उसको उसकी लागत का मूल्य जितना, चाहे बीमा के आधार पर मिले, चाहे मुआवजे के आधार पर मिले, लेकिन किसान कम से कम लागत जितना उसको मूल्य मिले, ताकि देश का किसान सुरक्षित रहे और ऋण के कारण आत्महत्या से निबड़ना पड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश की चिंता है, संसद की चिंता भी है कि जिस तरीके से उपज के आधार पर लागत मूल्य बढ़ती जा रही है, किसान को उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा, यह हमारे सारे सदन की चिंता है। अब इस चिंता में हमें रास्ता निकालना है कि इस देश के अंदर एक उद्योगपति कोई चीज बनाता है तो अपनी कीमत खुद तय करता है, लेकिन एक किसान, जो हम कहते हैं किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, वह अगर कोई उपज उगाता है तो उसका मूल्य किसान तय नहीं करता, उसका मूल्य खुली नीलामी में तय करता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें सरकार में फैसला करना चाहिए कम से कम उसकी उपज का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके आधार पर सरकार को एक्साइज फंड रखकर चाहे योजना बनाए जिसके अंदर किसानों की उपज का कम से कम किसी भी स्थिति के अंदर, चाहे फल सब्जी हो, चाहे नाशवान वस्तु हो, हमारे पास योजना है, हम समर्थन मूल्य की योजना है, MIS की योजना है, लेकिन इस योजनाओं को, सारी योजनाओं को मिलाकर एक किसान को सुरक्षित रखने के लिए एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर
किसान को कम से कम उसकी लागत का मूल्य मिल जाए ताकि किसान आत्महत्या नहीं करना पड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सहकारी के ऋण को भी हमें उसकी समय सीमा भी बढ़ानी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोऑपरेटिव के अंदर 0% पे कई सरकारें 1.5 लाख तक का ऋण देती है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय लागत बढ़ती जा रही है। इस 0% के लोन को हमें 3 लाख करना चाहिए और केसीसी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 5 लाख करना चाहिए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम किसान को ऋण मुक्त करना चाहते हैं तो ऋण की भी कमी करनी पड़ेगी और लागत मूल्य जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी उपज के मूल्य को भी डिसाइड करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सबका चिंता का विषय एक ही है कि हम देश के किसानों को कैसे सुरक्षित रखें, देश के किसानों को किस तरीके से उसकी लागत, लागत के बाद उसका मुनाफा क्यों नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान एक साल खुशहाल होता है, दूसरी बार उसकी फसल नष्ट हो जाती है, फिर वह कर्ज में डूब जाता है, कर्ज में जीता है, कर्ज में मर जाता है। इससे सारे सदस्यों की चिंता है कि कम से कम कितनी भी परिस्थिति हो जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान रूठ जाए लेकिन राज ही रूठे, इसलिए उसको लागत जितना मूल्य सरकार देने का फैसला करे इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है हमारे मंत्री महोदय चिंतित हैं, मेरा आपसे निवेदन है SDRF के नियमों में भी संशोधन करना चाहिए और उसकी लागत जितना उस आपदा रात के कोष पे पैसा मिल जाए इसकी भी कार्य योजना बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।